वोडाफोन आइडिया एक बार फिर अपने प्रीपेड प्लान्स की कीमत बढ़ा सकता है। टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि वह रेवेन्यू में गिरावट के चलते अपने प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के प्लान्स की कीमत बढ़ाने पर विचार कर रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने पिछले साल नवंबर में अपने प्रीपेड प्लान्स की कीमत में बढ़ोतरी की थी। इतना ही नहीं, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने भी अपने प्रीपेड प्लान्स महंगे किए थे। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने अपने कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अपने यूजर बेस में बड़ी गिरावट को देखा है। आमतौर पर जब कीमत में वृद्धि होती है तो दो तीन चीजों को देखा जा सकता है। एक तो यह कि रिचार्ज कुछ दिनों के लिए थोड़ा स्लो हो जाता है। दूसरा, हम सिम कंसोलिडेशन की घटना देखते हैं। वोडाफोन आईडिया के एमडी और सीईओ रविंद्र टक्कर ने तीसरी तिमाही के नतीजे पर एक एनालिस्ट कॉल के दौरान कहा कि हमारे सब्सक्राइबर लॉस के लिए कीमतों में बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तीसरी तिमाही में वोडाफोन आइडिया ने करीब 5.8 मिलियन ग्राहकों को खो दिया। वोडाफोन आइडिया के एमडी और सीईओ रविंद्र टक्कर ने कहा कि 2022 में एक बार फिर कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन यह तुरंत नहीं होगी। वोडाफोन आइडिया फिलहाल घाटे से जूझ रही है। कंपनी को डूबने से बचाने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर फिलहाल संभावित निवेशकों से बातचीत कर रहा है। कंपनी पिछले एक साल में 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।